देख लीजिए। इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। तो यहां पर आप ये देखिए, डाइपोल में हमने क्या देखा था कि एक नेगेटिव चार्ज। हाँ जी, शायद थोड़ा सा पिछला वाला डेरिवेशन दे रहा था। हाँ, वही बात कर रहा हूँ। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसमें क्या था कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस जिसको हम वेव लेते हैं। इसको हम टू वे ले लेते हैं। तो इसमें क्या हो गया, स्मॉल ए इतना और स्मॉल ए ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बोला कि एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है कि इसके एग्जैक्टली मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ परपेंडिकुलरली। तो जिस भी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट को मैं लेता हूँ पी। तो हमने इस पॉइंट को ले लिया पी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि वहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, अब इस पॉइंट से इस चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अच्छा, डाइपोल से कितनी दूरी थी, हमको जो दूरी लेनी होती है वो जिस पॉइंट से हम दूरी लेते हैं वो हमने सेंटर से दूरी कितनी ली थी, आर ली थी। ये 90 डिग्री है, ये डिस्टेंस हमने आर लिया था। तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचा था बताइए, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भाई, पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरीके से ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस भी सेम हो गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। अब जरा जी देख लीजिए कि इधर नेगेटिव है और यहाँ पर मैं पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ। जब पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट पी पर हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अस्यूम करके चलते हैं। तो नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो क्या करेगा, उस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर होगी, ठीक है। अच्छा, ये किसकी वजह से हो रहा है, नेगेटिव वाले की वजह से। तो इसको मैंने बोल दिया ई माइनस क्यू, ई माइनस क्यू ये बोल दिया। अब इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, इसको हम बोलेंगे ई प्लस क्यू, ई प्लस क्यू। तो ई प्लस क्यू और ये वेक्टर का साइन यहाँ लगा दिया, ये वेक्टर का साइन हमने यहाँ पर लगा दिया। इसी तरीके से अब जब हमने करा था ई माइनस क्यू वेक्टर, तो जब भी कभी ई माइनस क्यू वेक्टर, तो पहले ये वेक्टर का साइन हटाइए। मैंने तो सिर्फ ई माइनस क्यू बताई है कि नेगेटिव, ये जो माइनस क्यू है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, चार्ज की वैल्यू ली जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की वैल्यू कितनी है, क्यू, वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना है क्यू। तो ये हो गया क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब ये देखिएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब डायरेक्शन लिख दीजिए अलोंग, इसको बी बोल दिया, नहीं ए, इसको इसको ए बोल दिया और इसको बी बोल दिया। तो डायरेक्शन क्या है, पी से ए की तरफ, तो अलोंग पी ए,
जब डायरेक्शन लिख दी है तो इसके ऊपर एरो लगाना, ये हो गया, ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था इतना। फिर ऐसी पॉजिटिव क्यू की वजह से प्लस क्यू की वजह से हमने निकाला था, तो वो कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्या प्लस क्यू, चार्ज है प्लस क्यू, तो पॉजिटिव की वजह से मतलब हम उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड मैंने ले लिया क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन लगाएंगे तो डायरेक्शन देखिए कैसे जा रही है, बी से पी की तरफ, तो अराउंड बी पी, उसके बाद देखिएगा कि अब मैं ये जानता हूँ कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये डिस्टेंस 2a है। ठीक है, चलिए जी, ये तो डिस्टेंस 2a हो गया, लेकिन उसके अलावा हमको ये मालूम है कि ये वाली जो लेंथ है ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाली लेंथ जो है ये भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो जब ये दोनों की दोनों लेंथ हमारे पास सेम हो गई तो हम ये समझ गए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो हमने क्या करा, हमने इस वाले एंगल को थीटा मान लिया, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही हो गया। ठीक है, अच्छा, अब जब थीटा मान लिया, हमारे पास जो मैग्नीट्यूड निकल कर आया है इसका भी और इसका भी मैग्नीट्यूड तो दोनों का बिल्कुल सेम आया, वैल्यू बिल्कुल सेम आई है। तो अब आप ये देखिएगा कि अगर मुझसे ये कहा जाए कि ये वाला एक वेक्टर है और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक ए मिल रहा है मेरे को और एक ए मिल रहा है, इसके अलावा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दोनों का वेक्टर सम करेंगे, तो जब दो वेक्टर्स का सम करा जाता है तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल चाहिए होता है, वो एंगल कैसे निकलेगा, ये भी थीटा, तो ये एक्सटीरियर एंगल हुआ कि नहीं हुआ, ये टोटल हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, लेकिन जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा इन दोनों के बीच में से, और ये वाला एंगल भी थीटा और ये वाला एंगल भी थीटा, समझ में आ गई मेरी बात, दोनों इक्वल क्यों होंगे, मतलब ये थीटा और ये थीटा दोनों इक्वल क्यों होंगे, वो इक्वल इस वजह से होंगे क्योंकि इसकी भी वैल्यू जो आ रही है वो भी सेम है इसकी वैल्यू, मतलब जितना ये इसको इधर खींचेगा उतना ही ये इसको इधर खींचेगा, इसका मतलब क्या है कि दोनों की सेम वैल्यू है, तो दोनों के बीच का जो टोटल एंगल है वो भी 62 होगा। ठीक है, तो दोनों का ये थीटा थीटा ये होगा। इसके बाद अब आप आ जाइए पेज नंबर 38 पर, पेज नंबर 38 पर अगर देखेंगे कि सिंस मैग्नीट्यूड्स ऑफ, क्या लिखा है सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है, सिंस मैग्नीट्यूड्स ऑफ ई माइनस क्यू वेक्टर एंड ई प्लस क्यू वेक्टर आर इक्वल, सो देयर वर्टिकल कंपोनेंट्स ई प्लस क्यू साइन थीटा एंड ई माइनस क्यू साइन थीटा विल कैंसिल आउट ईच अदर, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। कैसे बनेंगे ये देख लीजिए, ये ई प्लस क्यू है तो जब इसका एंगल के अलोंग वाला जब कंपोनेंट निकाला जाता है तो वो होता है कॉस कंपोनेंट, एंगल के अलोंग वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होता है, तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, और कॉस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा, ये जो है ऐसे ये हो जाएगा ई प्लस क्यू साइन थीटा, इसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये हो गया ई प्लस क्यू कॉस थीटा। मेरी बात अगर ना समझ में आए ना प्लीज दोबारा पूछ लेना। ठीक है, ये समझ में आ गया कि ये वाला जो था ये ई प्लस क्यू था, तो और ये एंगल थीटा है, तो इसके हॉरिजॉन्टल वाला मतलब एंगल के अलोंग वाला कॉम्पोनेंट तो कॉस होता है, तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा हो गया, और कॉस के ठीक परपेंडिकुलर वाला कॉम्पोनेंट वो क्या होता है साइन होता है, तो ई प्लस क्यू साइन थीटा। सिमिलरली जब मैं ई माइनस क्यू की बात करूंगा तो ये इस लाइन के साथ में क्या एंगल बना रहा है थीटा, तो इसका भी हॉरिजॉन्टल जो अलोंग वाला कंपोनेंट होता है दैट इज कॉस थीटा, तो इसको क्या बोलेंगे ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, और इस पर परपेंडिकुलर वाला है क्योंकि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ ना होगा नीचे की तरफ होगा, इस पर ये जो हमारा कॉस कॉम्पोनेंट है कॉस के परपेंडिकुलर वाला कॉम्पोनेंट ये हो गया, दिस इज ई माइनस क्यू साइन थीटा। तो हमें क्या करना होता है, जब वेक्टर सम निकालते हैं तो वेक्टर सम निकालते हैं सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबको ऐड कर देते हैं, तो ये जो ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा, एक ऊपर की तरफ जा रहा है एक नीचे की तरफ जा रहा है, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू की दोनों की वैल्यू सेम है, तो जब इनको ऐड करेंगे ये कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को,
तो एडिशन में रोल किसका रहेगा, सिर्फ e प्लस क्यू कॉस थीटा, ये भी इसी डायरेक्शन में, e माइनस क्यू कॉस थीटा, ये भी इसी डायरेक्शन में, तो ये दोनों एड अप हो जाएंगे। तो पेज नंबर 38 पर पहली लाइन सिर्फ यही लिखी हुई है कि सिंस मैग्नीट्यूड्स ऑफ e माइनस क्यू एंड e प्लस क्यू आर इक्वल, सो देयर वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स, मैग्नीट्यूड क्योंकि इक्वल है, e प्लस क्यू और माइनस क्यू की वैल्यू बिल्कुल इक्वल है, उनके जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स है e प्लस क्यू साइन थीटा अपवर्ड्स एंड e माइनस क्यू साइन थीटा डाउनवर्ड्स, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। वेक्टर का साइन लगाने के बाद में फिर आप देखिएगा, अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ यही दोनों ऐड होंगे, तो ये दोनों ऐड होकर क्या हो रहे हैं, e माइनस क्यू कॉस थीटा, e माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस e प्लस क्यू कॉस थीटा, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज करके बाहर माइनस का साइन लगा दो। ये बता दो क्यों लगाया माइनस का साइन, क्योंकि दोनों का ऐड होने के बाद जो डायरेक्शन है वो क्या है, लेफ्टवर्ड, और लेफ्टवर्ड को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से नेगेटिव लेते हैं, तो इस वजह से ये नेगेटिव है। ये मैंने नोट्स में मेंशन भी कर दिया है, नेगेटिव साइन बिकॉज पी वेक्टर एंड ई इक्वा आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अच्छा, पी कैप इस तरफ दिखा दिया, पी कैप को यहाँ दिखा दिया, पी कैप अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है तो वो नेगेटिव की डायरेक्शन है, ठीक है। और पी कैप को उस डायरेक्शन में क्यों दिखाया है ये बता दीजिए, याद है पी क्या है, पी क्या है, हाँ, डाइपोल मूवमेंट, पी है डाइपोल मूवमेंट, और डाइपोल मूवमेंट का कन्वेंशनली डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और हम जा रहे हैं इस तरफ, तो इसके अपोजिट हुआ, ठीक है। अगर मैं यूनिट वेक्टर पी कैप का लेकर चल रहा हूँ तो फिर मेरे को नेगेटिव ही दिखाना पड़ेगा, समझ गया, क्लियर। अच्छा सर, हाँ जी बोलिए, इसको एक्स कैप और आई कैप की फॉर्म में, आप इसको क्या बोलेंगे, माइनस आई कैप बोल देंगे, ओके सर, ठीक है। चलिए जी, अब इसके बाद देखिएगा, तो ये नेगेटिव साइन आ गया, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, इसको ये कहा जा सकता है, माइनस तो बाहर गई, टू ई माइनस क्यू कॉस थीटा, चाहे 2e प्लस क्यू कॉस थीटा बोल दीजिए, क्योंकि e माइनस क्यू और e प्लस क्यू दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। और वैल्यू डाल दो माइनस 2, और e माइनस क्यू कितना है, e माइनस क्यू की वैल्यू ये है, ये वैल्यू डाल दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन अंडर रूट का स्क्वायर, तो अंडर रूट को काट देता है, ये क्या हो गया, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो गया, और फिर यहाँ पर लिख दीजिए cos थीटा, ठीक। इसके बाद आगे जो है, अब ये है कि नहीं, मेरे को तो cos थीटा भी हटाना है, तो cos थीटा क्या हो सकता है, देखिएगा ये थीटा है, थीटा और ये 90 डिग्री का एंगल है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, तो ये क्या बचा, बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, अच्छा बाद में पी कैप भी लिखिए, बाद में पी कैप, तो ये हो गया माइनस टू इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पी कैप, ठीक है, पी कैप ये हो गया। ये करने के बाद में फिर आपको क्या करना होगा कि ये माइनस साइन को तो यहीं रहने दीजिए, टू को अंदर ले लीजिए, माइनस साइन बाहर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर लिख दीजिएगा क्यू इंटू 2a, समझ गए, क्यू इंटू 2a क्यों लिख रहे हैं, क्यू इंटू 2a होता है आपका डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, पी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो क्यू इंटू 2a, ये ऐसे कर दिया। अच्छा डिनोमिनेटर में अगर देखें तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 है, और इधर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, सीधा लिख दूँ, ठीक है, तो ये हो गया क्यू इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और इधर है पी कैप, ये हो गया।
फाइनली ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू 2 का मतलब हो गया पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 और पी के, ठीक है। ये हो गया फाइनली ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला, ठीक है। ये यहाँ तक करने के बाद, हाँ जी बोलिए सर, जैसे जैसे हम 2a की वैल्यू छोटी करते जाएंगे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा, बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे दोबारा बोलो, 2a की वैल्यू अगर हम 2a की वैल्यू कम करते जाएंगे तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। कैसे सर? यू जो कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं, तो अगर हम 2a को छोटा करते जाएंगे तो एंगल भी बढ़ता जाएगा। तो सही, बिल्कुल सही। देखिए ऐसा है कि 2a जो है, जब मैं इसको छोटा करता जाऊंगा तो 2a का आधा है a, वो और छोटा होता चला जाएगा, वो आधा होता चला जाएगा, ठीक है। और उसका भी स्क्वायर है और उसकी पावर 3/2 है, तो यानी कि डिनोमिनेटर अगर आप इसको बढ़ा रहे हैं ना, अगर आप इसको बढ़ा रहे सॉरी इसको अगर आप कम कर रहे हैं, तो ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर क्या होगा, ये डिनोमिनेटर और छोटा हो जाएगा और इसका जो स्क्वायर है, इसका जो स्क्वायर है वो और छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा केवल केवल आर स्क्वायर पर, ठीक है। रुक जाओ, जो तुम्हारा डाउट है वो मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए जरा। अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये जो ए है ना, हमने डाइपोल की जो बेसिक डेफिनेशन ली थी, बेसिक डेफिनेशन ही ये ली थी कि व्हेनेवर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इट फॉर्म्स अ डाइपोल। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, तो वो जो 2a है वो तो ऑलरेडी हमने छोटा ले रखा है। अच्छा, 2a छोटा ले रखा है तो a जो है वो और छोटा हो गया। दूसरा, अगर हम ये कहें कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा ज़्यादा दूरी पर निकाल रहे हैं और इसके कंपैरिजन में ये दूरी हमेशा ज़्यादा ही होती है, तो इस वजह से जो एक्चुअल वाला हमने डेरिवेशन करा था और जो अब कर रहे हैं, दोनों में ही ये स्पेशल केस हमने लिया था। यहाँ मेंशन करेंगे सिंस r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, सिंस r is very very greater than a, it implies that उसका जो स्क्वायर है वो भी a स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा। तो a स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड, a स्क्वायर को नेगलेक्ट करा जा सकता है। a स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड as compared to r स्क्वायर, that is r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू r स्क्वायर। तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को आप लगभग r स्क्वायर के बराबर मान सकते हो, कि a स्क्वायर ना के बराबर है, इतना छोटा है। तो उसको हमने माना कि वो नेगलेक्ट कर दिया, छोड़ दिया उसको। e इक्वेटोरियल इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 बाय एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर की पावर 3/2 और पी कैप, अभी 2 से 2 कट गया तो ये आएगा माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू और पी कैप, ठीक है। फाइनली ये आ गया। अब बताओ भाई क्या पूछ रहे थे तुम? दोस्तों चलिए जी, तो अगला देखते हैं, पेज नंबर 39 पर अब आप आ जाइए। ये हमारा ई इक्वेटोरियल आ गया, ई इक्वेटोरियल, ठीक है। अब ये देखिएगा पेज नंबर 39 पर दिया है कंपैरिजन बिटवीन ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल। तो जो हमने ई एक्सियल निकाला था और जो ई इक्वेटोरियल निकाला है, दोनों में हमको जो डिफरेंस है वो क्या दिखाई दे रहा है? ई एक्सियल जो हमने निकाला था, ये जो नेगेटिव साइन है उसकी डायरेक्शन दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ। तो ई एक्सियल जो हमने निकाला था, दैट वाज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पी अपॉन आर क्यू, ठीक है। और इसी तरीके से ई इक्वेटोरियल जो निकाला है, दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू, ये हो गया। तो साफ दिखाई दे रहा है एक्सियल जो है वो इक्वेटोरियल से 2 टाइम्स है,
उसका डबल है, तो बस दोनों के बीच में रिलेशन यही है कि ई एक्चुअल इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ई इक्वल टू ई एक्चुअल इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ई इक्वल टू, ये हो गया ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन अ डाइपोल। टॉर्क का फॉर्मूला याद है किसी को? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और कपल का फॉर्मूला याद है? देखिए टॉर्क कैसे लगती थी, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कोई डोर है, रेक्टेंगुलर डोर है, और ये रेक्टेंगुलर डोर की जो हिंजेस हैं वो यहाँ पर है ठीक है, बस इधर बीच में लगा हुआ है और इट इज फ्री टू रोटेट लाइक दिस। ये जो हिंज है ये फिक्स कर रखी है, इट इज फ्री टू रोटेट लाइक दिस। तो अगर मैं इसमें मैं टेढ़ी लाइन बना रहा हूँ फोर्स की, मैं फोर्स की टेढ़ी लाइन बना रहा हूँ, वो टेढ़ी क्यों बना रहा हूँ लाइन, इसका मतलब क्या है कि यहाँ इनवर्ड्स है ठीक। तो अगर मैं यहाँ से इसको इस तरीके से मैं पुश करता हूँ, एक कॉर्नर से अगर मैं फोर्स लगाता हूँ, तो ये देखा जाता है कि फोर्स हमने कितना लगाया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज टेकन एज आर, उसको आर ले लेते हैं। तो फोर्स इनटू फोर्स कैसे लग रहा है, फोर्स लग रहा है ऐसे इनवर्ड्स, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे हो गया, यानी कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, फोर्स इनवर्ड्स लग रहा है, और ये वाली जो लाइनिंग है स्ट्रेट लाइन है, 90 डिग्री का एंगल आ रहा है दोनों के बीच में। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ठीक है, ये तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है। अब टॉर्क निकालने के लिए ये कब होगा, जब एक आपकी जो साइड वाली हिंज है वो फिक्स रहेगी ठीक है। अच्छा अब अगर मान लीजिए इसी डोर में कुछ ऐसा हो कि इस डोर की जो हिंज है वो सेंटर में फिक्स कर दी जाए यहाँ पर, मतलब ये हुआ आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, फिर एक फोर्स तो ऐसे लगाएंगे हम अंदर, और जब हम एक फोर्स ऐसे लगाएंगे ना तो दूसरी फोर्स जो है वो आउटवर्ड अपने आप लग जाएगी, ऐसे आउटवर्ड अपने आप लग जाएगी। एक फोर्स आपने यहाँ से इनवर्ड लगाई तो दूसरी फोर्स अपने आप आउटवर्ड लगेगी, समझ गए कि नहीं? हाँ सॉलिड है, इस वजह से हो रहा है ये रखा है ना फोन। हाँ बोलो सर, वो भी लाइट चली गई थी तो वाईफाई चला गया था सर, आप एक बार और बता दीजिए। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करवा रहा हूँ टॉर्क वाला, तो मैं टॉर्क एक बार बस रिवाइज करा रहा हूँ अभी, बस मैंने सिर्फ इतना बताया है कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर एक वाली इधर से एक हिंज जो है ये फिक्स कर रखी है और इस कोने पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये फोर्स जो है फोर्स तो ऐसे होगी अंदर की तरफ जाती हुई, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है तो फोर्स के और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का 90 डिग्री वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया। तो ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये टॉर्क दे देता है। अच्छा जो दूसरी चीज़ है वो दूसरी चीज़ ऐसे है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये फोन है, इस फोन की सेंट्रल एक्सिस में फिक्स कर दूँ, सेंट्रल एक्सिस में यहाँ से ऐसे बीच में से फिक्स कर दूँ, और इस कोने से मैं फोर्स लगाऊंगा इधर, तो ऑटोमेटिकली एक फोर्स इधर लगेगी है ना, तो जितनी फोर्स हम इधर लगा रहे हैं उतनी ही फोर्स बाहर की तरफ लग जाएगी। इसको बोलते हैं कपल। कपल का मतलब कि जोड़े में फोर्स लग रही है, एक फोर्स अंदर की तरफ एक फोर्स बाहर की तरफ। इसमें क्या लिया जाता है, इसमें डिस्टेंस ये वाला लिया जाता है कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं इक्वल और अपोजिट जो फोर्सेस हैं, एक फोर्स इनवर्ड्स है एक फोर्स आउटवर्ड्स है, इक्वल है लेकिन अपोजिट है, एक इनवर्ड्स है एक आउटवर्ड्स है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर हो गया, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर हो गया। इसको बोला जाता है कपल, फॉर्मूला वही है ठीक है। इसमें इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन तो बेटा ऐसे होगी ना राउंड ऐसे। ओके समझ गया, चलो ठीक है। अब जरा देखिएगा जो पेज नंबर 39 पर है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड ऑफ लेंथ 2a प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा विद इट, इट हैज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड p इज इक्वल टू q इनटू 2a। डाइपोल मोमेंट तो हमें पता है, p क्या होता है, q इनटू 2a।
देखिए हमने अब क्या करना है कि एक डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली उस पर कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस होगा डाइपोल पर। कैसे कर रहे हैं? टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करिए 10th क्लास में आपने ये करा होगा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म कहां पर होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड की पैरेलल लाइंस दिखाते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने 10th क्लास में करा नहीं था, ये आपके लिए नया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही है कि पैरेलल लाइंस दिखानी है अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये। अब मैंने इसमें क्या करा, मैंने इसमें एक इसको डाइपोल को रख दिया, हमने डाइपोल को रख दिया। डाइपोल क्या है? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। वो जो स्मॉल डिस्टेंस है वो हम कितना लेते हैं, 2a। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिएगा। अच्छा अब यहां से ये जो नेगेटिव वाला है, इस नेगेटिव वाले से आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए और एंगल ले लिया थीटा, इस वाले एंगल को बोल दिया थीटा। टॉर्क लगने का मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे 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 उसकी चक्की बन जाएगी, घूमता ही चला जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ सीधी ना जाकर ऐसे कर्व भी जा रही है ना, और हल्का सा वो कर्व लेकर रुक भी जाती है यहाँ पर, तब भी मैं बोलूँगा कि टॉर्क लगी है इसके ऊपर। तो टॉर्क का मतलब ये नहीं है कि आपको घूमते ही जाना है ऐसे। अब समझिएगा, जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करते हैं, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कन्वेंशनली फिक्स्ड है नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा फिक्स्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के मैंने ऐसे एरोज दिखाए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया पॉजिटिव चार्ज वाला एरिया रहा होगा, और ये वाला जो एरिया है ये नेगेटिव चार्ज वाला एरिया रहा होगा। तभी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भागती है। तो ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला रहा होगा। अच्छा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, ये होता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, ये इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा पक्का। ठीक है, ये इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये तो इधर अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव है ये इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर क्या है कि इन दोनों को अपने अपने अपोजिट चार्जेस मिल रहे हैं, इन दोनों को अपने अपने अपोजिट चार्जेस मिल रहे हैं। अब अपोजिट चार्जेस जो मिल रहे हैं, तो एक स्टेट ऐसी आ सकती है इसमें, एक स्टेट ऐसी आ सकती है कि ये खिंचकर इतना ज्यादा इसको स्ट्रॉन्ग फोर्स मिले, ये खिंचकर ऐसा हो जाए, ये खिंचकर ऐसा हो जाए, तो जो डाइपोल है डाइपोल भी अलाइन करने लगे इस तरीके से। ठीक है, एक स्टेट ऐसी आ सकती है, वो केस अभी हम करेंगे। ठीक, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है, जो इस तरीके से रखा हुआ डाइपोल है ऐसे, ये डाइपोल ऐसे घूमेगा। ठीक, इसका मतलब पूरा वो घूमेगा नहीं कि मोटर की तरह, इलेक्ट्रिक मोटर की तरह गोल 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 घूमता जा रहा है। तो इस पर जो ये कर्व्ड फोर्स लगी है, सीधी फोर्स नहीं लगी कि ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है या सीधा ऐसे चला गया, कर्व्ड फोर्स लगी है, दैट इज टॉर्क। तो जो टॉर्क है वो हमें निकालना है। समझ में आ गया, क्लियर एकदम? तो अब आप ये देखिएगा, यहाँ पर जो है फोर्स एग्जर्टेड ऑन चार्ज प्लस क्यू बाई फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई, पेज नंबर 39 पर बिल्कुल नीचे है। ठीक, अच्छा ये मैंने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी थी और ऐसे ही एक डॉटेड लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर आ गया यहाँ पर। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ये इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये जो टॉर्क है ना, ये टॉर्क में कोने वाली कोई हिंज फिक्स नहीं है। यहाँ पर एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, और इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, तो ये कपल वाला काम हो गया। तो जब कपल वाला काम होता है
तो जैसे यहाँ पर था कि एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो इसी वजह से एक फोर्स इधर, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस यानी कि ये वाला डिस्टेंस निकालना है मुझे, समझ गए, ये वाला डिस्टेंस मुझे निकालना है, ये डिस्टेंस हमारा 2a हो ही गया, ये डिस्टेंस 2a हो ही गया, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, इस डिस्टेंस को कुछ भी अननोन मान लो आप, जैसे मान लो ये y है और ये x है, ठीक है, ये y है और ये x है, ये एंगल मैंने दे लिया थीटा, तो जब मुझे, और ये 2a ये मेरे को मालूम है, और मुझे y निकालना है, तो y निकालने के लिए मैं क्या लूंगा, ये परपेंडिकुलर है या हाइपोटेन्यूज है, साइन थीटा कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। आप ये देखिए, ये चीज़ मैंने ना कैलकुलेट करके यहाँ पर दिखाई है, पेज नंबर 40 पर है, आप ये देख लीजिए, यहाँ पर जब मैं इसको ऐसे निकालूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा, मैं साइड में करके दिखा रहा हूँ, छोटी सी चीज है बस, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि वाई अपॉन टू है, वाई अपॉन टू है, अब टू ए को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वाई किधर, वाई की वैल्यू क्या आ गई, टू ए साइन थीटा, बताइए क्लियर, ये वाई की वैल्यू आ गई, तो मेरे पास फोर्सेस जो है, फोर्स निकालना मेरे लिए बड़ा आसान, फोर्स निकालना कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दे रखा है, चार्ज मेरे पास यहाँ पर है, हम ये जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास ऐसी आएगी कि फोर्स ऑन प्लस क्यू, फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू क्यू ई, इज इक्वल टू क्यू ई हो गया। आप याद करिए, मैंने चाहे कूलम्स लॉ लगाया हो चाहे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हो, मैं तो मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ बस, मैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्यू ई हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पर क्यू ई लिखा है। अच्छा, तो फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज क्यू ई, फोर्स ऑन माइनस क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर ई वेक्टर डालो और यहाँ पर भी ई वेक्टर डालो, तो ई वेक्टर की वजह से अगर फोर्स निकलेगी, अगर ये वेक्टर है तो ये फोर्स भी तो वेक्टर में ही आएगी, ठीक है, तो इसको ये भी क्यू ई हो जाएगी, मैग्नीट्यूड तो ये हो गया क्यू ई, लेकिन इसको माइनस होगा, इसको माइनस होगा, यार ये रुको, तो ठीक है, अब ये सभी बच्चे याद रखना, ये गलती कभी ना हो कि ये जो मैंने माइनस क्यू यहाँ पर लगाया है, ये माइनस क्यू इस माइनस क्यू की वजह से नहीं लगाया, ये माइनस क्यू क्यों लगाया, क्योंकि प्लस क्यू ये राइट वर्ड है और ये माइनस क्यू पर लगने वाला फोर्स लेफ्ट वर्ड है, इस वजह से राइट वर्ड को मैं पॉजिटिव देता हूँ और लेफ्ट वर्ड को हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है, इस वजह से ये माइनस क्यू ही है। अच्छा, अगर सिर्फ इसका ई वेक्टर ना लगाते, अगर सिर्फ फोर्स की वैल्यू निकालनी होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना होता, तो माइनस नहीं आता है, तो क्योंकि हम वेक्टोरिकली बात कर रहे हैं तो इसलिए माइनस आया है, ठीक है, याद रखना वो इस माइनस क्यू की वजह से नहीं आया, चार्ज का केवल और केवल मैग्नीट्यूड लिया जाएगा, क्योंकि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो स्केलर क्वांटिटी होगी। चलिए जी आगे चलते हैं, चलिए अब इसके बाद देखेंगे, जब मेरे को टोटल फोर्स निकालनी है तो एफ वेक्टर टोटल इज इक्वल टू क्यू ई और प्लस माइनस क्यू ई, खत्म हो गया, करके जीरो हो गया, ठीक है, तो जो टोटल फोर्स है वो टोटल फोर्स तो इस पर लगी नहीं रही है, hence the net translating force on a dipole in a uniform electric field is zero, समझ गए, translating force कौन सी फोर्स होती है, ट्रांसलेटिंग फोर्स कौन सी फोर्स होती है, एक फोर्स जो सीधी डायरेक्शन में जाती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन, उसके अलावा दूसरा मोशन कौन सा होता है, रोटेशनल मोशन, तो अभी तक आप देखिए टॉर्क का फॉर्मूला तो लगाया नहीं हमने यहाँ पर, तो हमने ये देखा कि जो फोर्स है, फोर्स उस पर टोटल लग नहीं रही है, यानी कि इधर और उधर नहीं भागेगा, ये यही टिका रहेगा,
है ना, दिमाग में एकदम ये आता है क्या यहाँ पे सेंट्रल हिंज है, गैस को हमने यहाँ पर फिक्स कर रखा है, जो ये रुक रहा है यहाँ पर, इधर उधर क्यों नहीं भाग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस पर ट्रांसलेशनल फोर्स जो इसको इधर ले जा सकती है या इधर ले जा सकती है या ऊपर या नीचे ले जा सकती है, तो फोर्स नहीं लग रही है इसमें, ठीक है, उस फोर्स का टोटल जीरो आ रहा है। तो ये तो ट्रांसलेटिंग फोर्स तो जीरो हो गई, बट द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द डाइपोल, दे फॉर्म अ कपल विच एक्सर्ट्स अ टॉर्क, तो वो टॉर्क लगता है। अब बात करेंगे टॉर्क की, टॉर्क होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, टॉर्क ऑफ अ कपल इज इक्वल टू आइदर फोर्स, आइदर फोर्स क्यों, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होती है, तो आइदर फोर्स कोई भी फोर्स ले लो, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हो गया। ये करने के बाद में अब आप ये देखिएगा आइदर फोर्स क्या है, फोर्स क्या है भाई, क्यू इंटू ई, फोर्स तो क्यू इंटू ई है, ठीक है, क्यू इंटू ई, और दोनों फोर्सेस के बीच का ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना निकाला था, 2a sin थीटा, तो QE इनटू 2a sin थीटा। तो यहाँ से अब हमने क्या करा, हमें जैसे ही Q इंटू 2a दिखाई देता है एकदम हम एक्टिव मोड में आ जाते हैं कि अरे डाइपोल मोमेंट मिल गया, ठीक है, तो Q इंटू 2a को एक साथ ले लेंगे, E को अलग निकाल देंगे, तो ये क्या हो गया Q इंटू 2a इनटू ई साइन थीटा। अभी जो क्यू है ये क्या है, पी है, तो पीई साइन थीटा, ये हो गया पीई साइन थीटा। अब पीई साइन थीटा का मतलब है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये समझ गए कि नहीं, याद आ गया 11th क्लास का, अगर मान लो पीई कॉस थीटा होता तो क्या लिखता, पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, तो PE sin थीटा है, तो PE sin थीटा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है, तो PE sin थीटा, इस वजह से P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर हमने लिखा है, ठीक है सर। हाँ जी बोलिए सर, ये 2a sin थीटा वाले एक बार और बता दीजिए कहाँ से आ रहे हैं। 2a sin थीटा, हमारे पास जो भी फोर्स दे रखा होता है ना, जैसे मान लीजिए जब भी हम टॉर्क निकालेंगे तो एक फोर्स तो यहाँ पर लग रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज जो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो एक फोर्स तो यहाँ पर लग रहा है QE और एक फोर्स यहाँ पर इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जाता है, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने y मान लिया, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन आई डैश y अपॉन 2a, साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन 2a, y इज इक्वल टू 2a साइन थीटा, समझ गए सर। इस वाले को कपल ऑफ फोर्सेस वाले वो फिर यूज करें, बेटा कपल वाले तो लगाया है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो आइदर फोर्स क्या हो गई क्यू ई, और दोनों जो फोर्स है एक फोर्स इधर लग रहा है क्यू ई एक इधर लग रहा है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a sin थीटा ही तो हो गया। ये सर समझ गया, मैंने गलती से वो 2a को मान लिया। चलिए ठीक है, उसके बाद देखिएगा अब वो बात कर रहे हैं, सो द टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन द डाइपोल इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर, टॉर्क मैक्सिमम क्या होगा जब डाइपोल जो है इट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर, यानी कि जब ये ऐसे होगा ई वेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डाइपोल इस तरीके से रखा है, वो वैसे भी समझ में आ रहा है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तो ये चीज है, तो टाओ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, इफ ई इज इक्वल टू 1 यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टाओ इज इक्वल टू पी ई, तो टाओ की मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है पी ई, उसके बाद देखिएगा। हाँ जी डाइपोल है, ये है तो सही डाइपोल, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो ये डाइपोल की तो रखा है इसके और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्यों है भाई, दो चार्जेस को 2a डिस्टेंस सेपरेट करके अगर रख दिया जाए उसी को डाइपोल बोलते हैं, बस इनके बीच में कोई वायर नहीं लगा हुआ, ये वैसे ही दिखा रखा है कि डिस्टेंस। हाँ जी बेटा बताइए,
सर ये जो डाइपोल है अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखती है ये फिर उत्तर चला जाएगा या नहीं या फिर रुक भी जाएगा? रुकेगा रुकेगा, वही मैंने बताया तो था कि ये ऐसे हो जाएगा अलाइन, फाइनली ये पूरा घूमेगा नहीं, ये पूरा घूमेगा नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक वाली टॉर्क निकाल रहे हैं बस हम, वो पूरा घूमेगा नहीं क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही है, वो इधर खींचेगा बस, मैक्सिमम इतना इतनी दूर तक घूम सकता है, उससे ज़्यादा नहीं घूमेगा वो, ठीक है। तो अगर हम हल्का सा भी ऐसे घूमते हैं तो समझ जाइए ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन के लिए पूरा सर्कल कंप्लीट करना जरूरी नहीं है, ठीक है ठीक है। ये अगर डाइपोल ऐसे हो गया, ये अगर डाइपोल ऐसे हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही अलाइन करता रहेगा बस। अच्छा अब देखिएगा, दस डाइपोल मोमेंट में आल्सो बी डिफाइंड एज द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ। वो उन्होंने ये बोल दिया कि आप अगर e की वैल्यू अगर साइन थीटा 1 हो गया और e को भी आप 1 ले लें तो टाउ इज इक्वल टू पी हो जाएगा। If E is equal to 1 unit, है ना, and theta is equal to 90 degree को हमने बोल दिया, तो tau की value P होगी। तो dipole moment में also be defined as torque acting on a dipole when it is placed in a unit electric field and perpendicularly to the electric field। ये बोल दिया है। dipole moment की basic definition वही है, बस इन्होंने यही बोला है कि it में also be defined as torque acting on an electric dipole placed perpendicular to the electric field and the electric field should be of unit strength। बस ये लास्ट में एक डेफिनेशन और इसकी लिख दी, मतलब ये हो गया कि टाउ यहाँ पर यानी कि टॉर्क किसके बराबर आ गया, डाइपोल मूवमेंट के बराबर आ गया। तो वो कह रहे हैं डाइपोल मूवमेंट की एक और डेफिनेशन बन गई, कैसे बन गई कि डाइपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ, यानी कि ई की वैल्यू आपने क्या लिया, 1 ली है, एंड व्हेन इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बस। तो ये एक अलग डेफिनेशन बन गई उसकी, और कुछ नहीं, समझ गए बताइए, क्लियर है? वन वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम को वोल्ट पर मीटर भी बोल देते हैं, मतलब सर थोड़ा जोर तोड़ दो। हाँ नहीं नहीं पूरा प्रॉपरली, मतलब वो वोल्ट पर मीटर आ जाता है, आ जाता है वो न्यूटन पर कूलम का, मतलब सर न्यूटन का पहले जैसे केजी मीटर पर, हाँ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। चलिए जी, अरे सबको समझ में तो आ रहा है, आप लोग ना सारे ऐसे सीरियस बैठे रहते हो जैसे पता नहीं बहुत कोई सीरियस टॉपिक चल रहा है, बता दिया करो कहीं कुछ अटक जाओ तो, ठीक है। चलिए जी अगला पेज नंबर 41 पर, पेज नंबर 41 पर जो अगला टॉपिक है ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, ऐसे ही बताऊंगा। डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा हुआ है तो क्या होगा? In a non-uniform electric field, the plus Q and minus Q charges of a dipole experience different forces. तो क्या होगा अगर non-uniform electric field में है तो ये जो plus Q है और ये minus Q है इनको अलग अलग forces मिलेंगे। non-uniform का मतलब हो सकता है इस जगह electric field strength बहुत ज़्यादा हो तो ये बड़ी तेजी से attract हो इसकी तरफ, और इस जगह electric field strength कम हो तो ये उतना attract ना हो पाए, तो कुल मिलाकर ये इसको इधर खींचता चला जाएगा, तो यहाँ पर फिर translational force भी लगेगी इस पर, ठीक है। अच्छा, इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस ऑफ अ डाइपोल एक्सपीरियंसेस डिफरेंट फोर्सेस नॉट इक्वल एंड अपोजिट एट स्लाइटली डिफरेंट पोजीशंस इन द फील्ड एंड हेंस अ नेट फोर्स एफ वेक्टर एक्ट्स ऑन द डाइपोल, ऑल्सो अ नेट टॉर्क ऑल्सो एक्ट्स ऑन द डाइपोल विच डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द डाइपोल इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसमें इन्होंने ये कहा कि हाँ थोड़ा बहुत उस पर टॉर्क भी एक्ट करेगा और ट्रांसलेशन फोर्स भी होगी, तो उसमें बस इतना कर दिया जाता है कि टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर और यहाँ वेक्टर में आर लिख दिया जाता है। तो इस आर वेक्टर का मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लोकेशन पर भी वो डिपेंड करेगा कि किस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहाँ पर ज़्यादा है हो सकता है, यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है, इस जगह ज़्यादा हो या इस जगह कम हो, कुछ नहीं कहा जा सकता, नॉन यूनिफॉर्म है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये निकलेगा टॉप, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको थ्योरेटिकली इतना बताना है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भाई ट्रांसलेशनल फोर्स कटआउट होकर जीरो नहीं बनेगी, फिर उस पर फोर्स भी लगेगी, यानी कि डाइपोल भागेगा भी और डाइपोल भागते हुए थोड़ा बहुत घूमेगा भी, बस ये आपको लिख कर समझा देना है, कोई डेरिवेशन नहीं है कुछ नहीं है, ठीक। अच्छा उसके बाद देखिएगा,
व्हेन द डाइपोल इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ई वेक्टर, अगर डाइपोल पैरेलल है ई वेक्टर के या एंटी पैरेलल है, तो देखिए इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इफ पी वेक्टर इज पैरेलल टू ई वेक्टर और एंटी पैरेलल टू ई वेक्टर, ये मिटाओ उधर से, ये बॉटल देना एक मिनट जरा पानी की बॉटल देना। अगर जो डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाए, तो फिगर ए में दे रखा है हमने कि डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऐसे रखा हुआ है माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो हमें पता है कि जो डाइपोल मोमेंट है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, इस तरीके से ये रखा हुआ है। तो अब ये क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, यानी कि दोनों पैरेलल हो गए। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या होगा, वो बोल रहे हैं कि व्हेन पी वेक्टर इज पैरेलल टू ई वेक्टर और एंटी पैरेलल टू ई वेक्टर द नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल इज जीरो बिकॉज द फोर्सेस ऑन चार्जेस प्लस और माइनस क्यू बिकम लीनियर। ये समझ में आ गया, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। जब आप ये बताइए, जब टॉर्क का जो फॉर्मूला है, जब डाइपोल मोमेंट में टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनकर आ रहा है, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। अब ये जो भाई साहब डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कुछ एंगल ही नहीं बना रहे हैं थीटा, तो जब कुछ भी एंगल नहीं बन रहा है तो थीटा कितना है, जीरो। जब थीटा जीरो है तो साइन थीटा में अगर थीटा को जीरो डालोगे तो टाउ तो जीरो हो गया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपका टॉर्क जीरो हो जाएगा और नेट फोर्स होगी वो डिपेंड करेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर किस तरफ है। अगर भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज सारे यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, नेगेटिव चार्ज सारे के सारे यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव भाग रहा है, ठीक है। और डाइपोल अपने अपने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ये है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो अब जब ये इसके पैरेलल हो गया, जब ये इसके पैरेलल हो गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भाई टॉर्क तो नहीं होने वाली, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज, अगर ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्ट्रांग है, कहा नहीं जा सकता, जैसे मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे यूनिफॉर्म की, तो यहाँ अगर 10 पॉजिटिव चार्ज है तो इधर भी 10 ही नेगेटिव चार्ज होंगे, समझ गए, तभी तो वो यूनिफॉर्म होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 50 तो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज या 2 ही है या 4 ही है, ऑब्वियसली बात है ये पॉजिटिव वाले को बड़े आराम से खींच लेंगे, चलो तू इधर आ जाओ। अब जब वो इधर आ जाएगा तो ये तो सीधा सीधा खींचेगा ना, तो फोर्स विल बिकम लीनियर, लीनियर का मतलब ट्रांसलेशनल फोर्स होगी, तो लीनियरली वो मूव करेगा, डाइपोल भागना शुरू करेगा, घूमेगा नहीं। ऐसा ही इन्होंने अगले में बताया, अगले में भी क्या होगा, अगले में वो बोल रहे हैं कि अगर डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल हो जाए, तो भाई एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को तो फिक्स कर दिया, ये तो ऐसे है, यहाँ पर डाइपोल को घुमा दिया ऐसे, तो ये प्लस क्यू हो गया और ये माइनस क्यू हो गया, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई इस तरफ, वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ हो गई, तो इस केस में भी टॉर्क हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब पूरी तरीके से एंटी पैरेलल कर दिया तो 180 डिग्री घुमा दिया और साइन 180 भी जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो तो टॉर्क जीरो, ठीक है। और इस केस में भी हम ये देखेंगे कि यहाँ पर सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है, यहाँ पर सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा है, पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो इस नेगेटिव की परवाह ना करते हुए इस पॉजिटिव को धकेल देगा उधर के चल, उधर चल, रिपेल करेगा ना, ठीक। तो दोनों ही केसेस में आप ये देखिएगा कि जो फोर्स लगेगी वो फोर्स लीनियर लगेगी, इसमें रोटेशनल फोर्स लगने वाली नहीं है, मतलब टॉर्क एक्ट नहीं करेगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन मैंने दोनों बच्चे बताए, मैं क्लियर है, यस सर, ठीक है, चलिए जी, इतना हो गया। इसके बाद अगला जो है आगे फिर इसके डाइपोल मोमेंट के न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है अगला टॉपिक वो करेंगे, और इस चैप्टर की कंप्लीट नोट्स मैंने आज आपको भेज दिए, तो इससे ज़्यादा मतलब टोटल 57 पेजेस हैं, बस इतना ही नोट्स हैं इस चैप्टर।
कोई टेंशन मत लेना, चैप्टर नंबर 3 आ जाने दो, ये वाला आसान लगने लगेगा। ठीक है डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 ये बड़े हैं, उसके बाद 4, 5, 6 फटाफट फटाफट निकलेंगे छोटे छोटे चैप्टर से। फिर वॉल्यूम 2 में एक चैप्टर है आपका रे ऑप्टिक्स, वो बहुत बड़ा है, और मतलब कुल मिलाकर पूरी फिजिक्स में 4 चैप्टर हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, हाँ दोस्तों बताओ क्या कह रहे थे, उसके अलावा सारे छोटे हैं। सर ये जो आपने सेकंड वाला केस अभी बताया एंटी पैरेलल वाला, सर अगर हमने इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया तो सर वो स्टेबल तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि वो एक तो रिपेल कर रहा है ना, उसे प्लस उसे अपनी साइड से रिपेल कर रहा है और नेगेटिव उधर रिपेल कर रहा है। यस सर, तो सर वो तो अनस्टेबल रहेगा। अनस्टेबल तभी रहेगा अगर कोई आकर उन्हें किसी भी तरीके से एक्सटर्नल फोर्स लगाकर घुमा दे, वो स्टेबल रहेगा। वो इस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, उस पर क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर से भी 2 न्यूटन का फोर्स लगता है, इधर से भी 2 न्यूटन का, तो बेचारा चुपचाप दोनों के बीच में पिसता रहेगा, वो मूव तब भी नहीं करेगा। टॉर्क उसमें सिर्फ एक ही केस पर लगेगी, अगर किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हल्का सा उसको एंगल दे दिया जाए, हल्का सा थीटा पर उसको शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि थीटा सर अगर उसे शिफ्ट कर देंगे तो फिर वो घूम के वापस पैरेलल हो जाएगा, अल्टीमेटली घूम के वापस पैरेलल होगा। एंटी पैरेलल जो है, एंटी पैरेलल को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली ही पोजीशन कहा जाता है, अल्टीमेटली होगा वो पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता रहता है और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता रहता है। ओके सर, ठीक है, चलिए जी फिर आज इतना ही करते हैं और